अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक एग्जांपल को, एक लाइव प्रोजेक्ट एग्जांपल को। हम बात कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग माइक्रो जो हम करते हैं, उस रिकॉर्डिंग माइक्रो का क्या बेनिफिट्स हैं। तो हमने दो बेनिफिट्स के बारे में बताए। पहले हमने बताया लर्निंग कंसेप्ट कि लर्न करने के लिए, लर्निंग प्रोसेस में हमें रिकॉर्डिंग माइक्रो कितना मदद करता है। अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग कंसर्ट, ऑटोमेशन कंसर्ट में हमारा रिकॉर्डिंग माइक्रो कितना बेनिफिट है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर एक डेटा है, अब मुझे प्रोग्राम बनाने सारा आता है। समझ लीजिए कि आप लोगों को प्रोग्राम ठीक ठाक बना लेते हैं, फिर भी आप रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज कर सकते हैं। कैसे? चलिए वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक डेटा है और मुझे डेटा पर्सन बाय सॉर्ट करके, क्या बोलते हैं, पर्सन बाय फिल्टर करके देना होता है। क्या होता है कि मेरे जो भी मैनेजर से जो ने भी नेम है, जैसे कविता ने फोन किया कि मुझे मेरा डेटा दे दो, तो मुझे क्या करना होता है कि कवि डेटा को फिल्टर करके कविता को फिल्टर करना होता है, और फिर कविता का डेटा को हमें बाहर निकालना होता है। जनरली हम लोग बाहर निकालने के लिए इसको कॉपी करके एक शीट पे पेस्ट करते हैं, फिर इसको मूव एंड कॉपी करके अलग निकालते हैं। समझे? तो मैं बताऊं कि मुझे हर बार 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 करना होता है, मुझे बार बार करना होता है। तो कुछ ऐसा ऑप्शन बन जाए कि हमें बार बार ना करना पड़े। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या प्रॉब्लम है? जी तो इसको कैसे आपके सामने हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। डेटा हमारे सामने, आपके सामने डेटा दिख गया, अब इसकी हमें इसमें प्रोग्रामिंग करनी है। लेकिन प्रोग्रामिंग में हम रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज करेंगे, क्योंकि तो रिकॉर्डिंग माइक्रो हमारे लिए बेनिफिट है। तो हम यहां से आते हैं, सबसे पहले डेवलपर में रिकॉर्ड माइक्रो, एक माइक्रो रिकॉर्डिंग करना हम शुरू कर देते हैं। इस पे A1 पे जाते हैं, हम फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर में हम कविता को सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए, जब भी डेटा आप सेलेक्ट करेंगे तो माउस से मत सेलेक्ट कीजिएगा, माउस से सेलेक्ट करेंगे तो पूरा एक फिक्स हो जाएगा। आप सेलेक्ट कीजिए किससे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो की, राइट एरो एंड डाउन एरो। अब मैं फिल्टर के डेटा कॉपी कर रहा हूं, तो डायरेक्ट कॉपी नहीं करूंगा, सही ठीक रहेगा, क्योंकि पीछे का डेटा कॉपी होने के चांसेस हैं। तो इसके लिए हम यहाँ जाएंगे फाइंड एंड सिलेक्ट में, गो टू स्पेशल, बोलेंगे विजुअल सेल्स ओनली, ताकि फिल्टर के पीछे का डेटा कॉपी ना हो। फिर इसको हम कॉपी करेंगे। अभी देखिए मेरे पास ऑलरेडी शीट्स हैं, लेकिन अगर हमने इस पे क्लिक किया तो हमेशा इसको शीट 2 को रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर में शीट 2 ना हो तो उसमें कुछ और डेटा हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक नई शीट ऐड कर लेता हूँ फ्यूचर को देखते हुए, और फिर इस पे मैं पेस्ट एज ए वैल्यू करता हूँ। फिर राइट क्लिक करके मैं इसको करता हूँ मूव एंड कॉपी, और यहाँ इसको न्यू वर्कबुक में मूव कर देता हूँ, और फिर इस फाइल को मैं से सीट का नाम दे देता हूँ कविता, क्योंकि तो कविता नाम, सीट का नाम भी कविता देना है ना, और फिर इसको सेव एज एक लोकेशन, जैसे न्यू फोल्डर में हम यहाँ पे कविता के नाम से सेव कर देते हैं, और फिर इस कविता को बंद कर देते हैं। मुझे इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है, मुझे इस मैक्रो को रन करना है। बट ये मैक्रो सही तरीके से रन नहीं हुआ, क्योंकि ये मैक्रो डायनेमिक नहीं है, इसमें बहुत सारे कोड में दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए उन्हीं कोड के दिक्कत को दूर करते हैं, डायनेमिक करते हैं। तो यही पे आया, हमारे पास कोड है, तो इसमें कुछ फालतू कोड है, जो कुछ को डिलीट करना है, कुछ को ऐड करना है। जैसे कि ऑटो फिल्टर, इसको हटा दीजिए। दूसरा, यहाँ 1 से 302 तक है, लेकिन 302 जरूरी नहीं है कि 302 ही होगा, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि हम A1 पे भी कर्सर रखेंगे तो हमारा फिल्टर लग जाता है। यहाँ पे देखिए फिल्टर लग जाता है, तो फिल्टर करने के लिए डेटा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ पे हमने इसको डिलीट कर दिया, A1 सिलेक्ट सिलेक्शन को हमने किया नीचे तक, यहाँ पे इस देखिए यहाँ पे स्क्रॉल डाउन हुआ, ये फालतू है इसको हटा दीजिए, सिलेक्शन पेस्ट स्पेशल सिलेक्शन कॉपी, सीट को ऐड हुआ, सीट हमने पेस्ट कर दिया, पेस्ट स्पेशल कर दिया, सीट 6 को सिलेक्ट, अब यहाँ पे सीट हो सकता है इसलिए इसको डिलीट करना होगा, इसको भी डिलीट करना होगा, सीट मूव, अब यहाँ पे सीट सीट मूव हुआ, यहां देखिए एक्टिव सीट है, यहां पे सीट सीट के जगह पे हम सीट एक्टिव सीट डॉट मूव कर देते हैं, इसको हटा दीजिए और इसको भी एक्टिव सीट डॉट नेम कविता रेन सिलेक्ट, ये इस फोल्डर में ये आपका चेंज डायरेक्टरी है तो ये चेंज डायरेक्टरी दिख गया, एक्टिव डॉट सेव एज और ये आपका कविता सेव हो गया, ठीक है, विंडो डॉट क्लोज सीट 1 ये हटा दीजिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ओके अब ये मेरा माइक्रो वर्क करेगा लेकिन सिर्फ कविता के लिए, मैं चाहता हूं कि मेरा माइक्रो सिर्फ कविता के लिए वर्क ना करे, मेरे हिसाब से वर्क चले, समझ गए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम यहां पे एक कमांड देंगे, जैसे कि हमने बोल दिया n इक्वल टू इनपुट बॉक्स और यहां पे हम बोल दिए कि इस तरह से इनपुट हो गया, मतलब कि एक इनपुट बॉक्स पॉपअप आएगा उसका कोड हो गया और पॉपअप में जो नाम देंगे वो नाम n पे सेव हो जाएगा, n क्या है, n की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, ये मैथमेटिक्स में से आप लोग x y z लेते हैं ना उसी तरह से है कि यहाँ पे भी आप कुछ भी ले सकते हैं, और जहां जहां कविता है वहां पे n दे दीजिए, उस वेरिएबल को हम वेरिएबल बोलते n दे देते हैं, बट यहां कविता इसमें तो वर्ड कमा के अंदर में है तो इसको हमें जोड़ना पड़ेगा, तो एक्सेल में जोड़ने के लिए हम कॉनकैटनेट इस्तेमाल करते थे ना, यहां भी हम कॉनकैटनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके सामने हो गया, अब ये फुल्ली वर्क करेगा, अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे वर्क करता है, इसको हम रन करेंगे, मुझसे नाम पूछेगा, इनपुट बॉक्स हमने इसलिए किया हुआ है, मान लीजिए हमने दे दिया T2 का डेटा चाहिए हमें एंड ओके, यहां पे जाके देखिए आपका T2 का डेटा फिल्टर है, और आप फोल्डर में जाके देखें, किस फोल्डर में, डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर में T2 और इस अंदर सिर्फ T2 का डेटा हो, तो यहां पे देखिए रिकॉर्डिंग माइक्रो का बेनिफिट क्या हुआ कि हमें इतना कोडिंग नहीं करना हो, हमें इतना कोड नहीं लिखना हुआ, कुछ कोड को डिलीट किया, एक आध लाइन ऐड कर दिया बस, तो आगे चल के जब बड़े बड़े रिपोर्ट को ऑटोमेट करोगे तो उसमें कोड लिखने में काफी टाइम लगेगा, तो वहां पे आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज हम दो तरीके से करते हैं, अगर आप लर्नर हैं तो लर्निंग प्लेटफॉर्म पे उसका यूज करेंगे, किस ऑप्शन का क्या कोड है, कभी अगर किसी चीज का कोड अगर भूल जाते हैं तो वहां पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लर्नर नहीं है तो भी आप इस्तेमाल करेंगे टाइम को बचाने के लिए, कि आपका कोड ऑटोमेटिक सारा कोडिंग हो जाएगी, माउस इवेंट करते चले जाएंगे, कोडिंग अपने आप हो जाएगी, और उसमें से जो कोड फालतू है उसको डिलीट कर दीजिए, और जो कोड डायनेमिक नहीं है उसको डायनेमिक कर दीजिए, कुछ कोड इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर दीजिए, क्या तो आतिश पांडे जी सही बोला ना, मैं पुष्पिंदर जी, हाँ जी सर ठीक है ना, सही बोला, हाँ जी सर, ओके, तो आप लोग क्या करें को यूज करें और मुझे 8-10 एग्जाम्पल